इनवाइट आया है, कंगना जो इनवाइट आया उसमें हमें अभिनंदन की भी बात कही गई है कि वो छोड़े भी गए हैं, तो उनके भी बारे में जानना चाहेंगे. क्या लगता है कि ये जो नया हिंदुस्तान है ये किस तरह का है? वेल, आपने देखा होगा पहले भी कई सोल्जर्स कैप्चर हुए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना जो इस तरह से हमारे सोल्जर वापस आए हैं. कई टुकड़ों में तो वापस आए हैं, हमने रिसीव किए हैं, मगर इस तरह से रिसीव नहीं किए हैं. तो ये जो है नए भारत की शुरुआत है, और आई थिंक हम लोगों का जो स्टैंड है वर्ल्ड में, इट्स वेरी क्लियर दैट वी आर नॉट गोइंग टू टेक थिंग्स लाइंग डाउन, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू रेसिप्रिकेट द वे यू नो वी आर डेल्ट विद. सो डेफिनेटली इट्स अ गुड स्ट्रेटजी टू हैव. वेल, मुझे नहीं लगता कि फिल्म को, यस कुछ लोग थे जो अफवाहें फैला रहे थे, लेकिन फिल्म को शायद किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया है. फिल्म को सभी ने काफ़ी पसंद किया है, और उसका रीज़न एक ये भी है कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही एक आइकॉन है सबके लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और बहुत ज़्यादा सराहना मिली है. पर हम लोगों ने 150 वर्ल्ड वाइड किया है, एंड आई डू नॉट थिंक इट्स अ फिगर जो कि यू नो इट्स नॉट सिग्निफिकेंट. इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, और ऐसा नहीं है कि हर फिल्म को एक पैरामीटर से, सिर्फ पैसों का ही पैरामीटर हो हर चीज़ को देखने के लिए. इट्स डेफिनेटली लैंडमार्क फिल्म, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे साथ उरी और ठाकरे जैसी फिल्में भी साथ में रिलीज़ हुई थी, और ऑलमोस्ट खासकर उरी को लेके नेशनलिस्टिक की फिल्म थी. सो आई मीन कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड नंबर, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद इट. या श्योर, आई थिंक क्योंकि जिस तरह से मणिकर्णिका रिसीव हुई है, आई जस्ट फील, आ जाओ जिस तरह से मणिकर्णिका रिसीव हुई है, आई थिंक देर इज़ डेफिनेटली अ सुपर हीरो फिल्म इंस्पायर्ड बाय रियल कैरेक्टर्स. इन मोहतरमा ने मुझे कहा कि नवरी पहनते हैं और खुद नहीं पहनी. नहीं, बट अभी क्या बोलूँ. ओके, सो बेसिकली फॉर मी लाइक इट्स आई जस्ट फील के जो फिल्म है इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोगों के जो सुपर हीरोज़ होते हैं, हम लोग यू नो जो एक सही कैरेक्टर है, जो रियल कैरेक्टर्स है, उनसे अगर हम अपने बच्चों को इंस्पिरेशन दें और रियल स्टोरीज से, इट कैन बी समथिंग अमेजिंग. सो उस तरह से आई थिंक आई कैन सॉर्ट ऑफ यू नो टेक इट फॉरवर्ड. कहीं ना कहीं शौर्य गाथाएं वाली जो फिल्में हैं जी, वो ज़्यादा बनेंगी, क्योंकि रोमांटिक फिल्में एक साथ आती है, बायोपिक फिल्मों का एक साथ दौर आता है, तो आप शौर्य गाथाएं वाली फिल्में भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी. वेल, मुझे लगता है कि एक हमारा जो कंज्यूमर हैं वो काफ़ी समझदार हो गए हैं अब, और वो लोग दे वॉन्ट समथिंग मोर देन एंगेजमेंट और एंटरटेनमेंट. यू नो यू कॉन्ट कम टू अ थिएटर ओनली टू किल टाइम. देर वॉज अ टाइम वेन अभी जो हमारा एजुकेटेड क्राउड है, या जिस तरह से हमारे लिटरेसी रेट भी आगे जा रहा है, उनके पास यूट्यूब पे या फ़ोन पे टाइम किल करने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं. लेकिन उनका अब एक मेन क्वेश्चन हो गया है कि हमने क्या पाया, जब हमने एक फिल्म देखी तो हमने क्या पाया. मणिकर्णिका के सक्सेस से आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है अपने आप में कि, और बाकी भी जो कई फिल्में आ रही हैं, कि अब कंज्यूमर का ये हो गया कि हम स्पेंडिंग दिस मच मनी तो मुझे क्या मिला. सो चाहे वो हमारी हिस्ट्री हो, या हमारा कोई इन्फॉर्मेशन हो, या किसी तरह का एक्सपेंशन ऑफ द डिमेंशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सपेक्टिव, सो उस तरह से आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट. अदरवाइज आई थिंक दे विल गो फार अहेड ऑफ अस. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट बिजनेस वेयर द कंज्यूमर इज़ अहेड ऑफ द पीपल हु आर क्रिएटिंग कॉन्टेंट. क्योंकि उनके जो, मतलब मैं एक आम इंसान को मिलती हूँ तो वो मुझे 10 टाइप के नेटफ्लिक्स बता देते हैं, ये जो कॉन्टेंट होते हैं दे आर एक्सपोज टू, एंड आई एम नॉट, मेरे पास टाइम नहीं है इतना उनको देखने का. सो आई थिंक वी नीड टू कैच अप विद देम, दे डोंट नीड टू कैच अप विद अस. डेफिनेटली आई थिंक येस, करीना इज एब्सोल्युटली लवली, एंड आई थिंक शी इज़ वन ऑफ दोज वेरी ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड पीपल. आई ऑलवेज सी हर एंड आई फील दैट यू नो यार, मतलब एक कलाकार हो तो ऐसी हो, वाइफ हो तो ऐसी हो, माँ हो तो ऐसी हो, यू नो शी इज़ द एपिटमी ऑफ अ परफेक्ट वूमन. और वो हमेशा मुझे बहुत प्रोत्साहित करती हैं, बहुत प्यारे मैसेजेस भेजती हैं.
लेकिन उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि यू नो शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू मी, और मेरी जो बायोपिक है वी आर वर्किंग ऑन दैट. बिफोर दैट आई माइट स्टार्ट द ट्रिलॉजी, बट बायोपिक विल हैपन डेफिनेटली. मैम आप ऑलवेज सरप्राइज देती हैं, आप ऑलवेज, अभी आपने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी हम सबको सरप्राइज दी कि आप डेट कर रही हैं और शादी भी करने वाली. अब ये मैम अभी आज की सक्सेस पार्टी तो हमने देख ली, दूसरी शादी की सक्सेस पार्टी कब? आई थिंक दिस इज डेफिनेटली नॉट व्हाट आई सेड. इनफैक्ट आई वाज आस्क्ड इफ आई एम डेटिंग एंड आई सेड आई एम नॉट डेटिंग, बट येस इफ यू नो लाइक बीइंग अ यंग वूमन डू आई हैव यू नो समबडी इन माय लाइफ, येस, बट हैविंग समबडी एंड डेटिंग एंड मैरिज, ये लोग ये डिग्रीज है प्रोग्रेस की. सो लेट्स सी. One of which was also a group about people from the fraternity who chose to go to attend an event in Pakistan despite the Uri attacks and everything. However, there were some reports, and you can clarify, that even Manikarnika had released in Pakistan despite the Uri attacks, and it continued to scream while the Pulwama attack happened. Yeah, see what happens is that when a film is distributed, they had the DCP, which is the digital copy, उसको उनसे छीनने के लिए आर्मी भेजनी पड़ेगी जो हमने ऐसे ही बाई एयर भेजी थी, लेकिन उन्होंने मेरी डीसीपी वापस नहीं लाई. सो द थिंग इज दैट व्हेन यू कैन स्टॉप फ्रॉम फ्यूचर रिलीजेस टू हैपन, बट व्हाट इज इन देयर पोजेशन इफ दैट हैज टू बी टेकन फ्रॉम देम, यू नो. सो इट्स लाइक इट विल बी अगेन द सेम सिचुएशन. Let's well, definitely, yes, yes. If I'm producing a film, that definitely that is the route I will take. I mean, why should we? And it's not that it's a very big territory. It's hardly, it's almost insignificant, isn't it? The argument was, why did it even release in Pakistan even after India? We've discussed enough about it. Justine, yeah, I think so we can move on to next question. She's answered it. I think precisely. The distribution and the trade was going like that. I assume, because obviously I'm not the minister in charge of the trade, how things are happening in the country. But if you ask me, for me, like, it's very important, the sentiment of the country, the sentiment of the Jawan's family, that is very important. Does it make a significant statement? No. These can be called small steps, you know. But is it, if it, that's all we can do, we should, we must. Ankita. ये रोल आपके लिए कितना चैलेंजिंग था और कितना कह सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कोई भी रोल आप जब करते हो एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि झलकरी बाई करना मेरे लिए कैसा था जब मैंने ये रोल लिया था. मुझे झलकरी बाई के बारे में हमेशा कहती हूँ, आई डिडंट नो टू मच अबाउट झलकरी बाई, एंड आई जस्ट न्यू वन थिंग दैट शी इज़ द हीरो ऑफ आर कंट्री. एंड और मुझे उनको प्ले करना था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि लोगों को पता चले कि झलकरी बाई कौन थी. And that's completely my opportunity that I could perform it, and लोगों को इतना पसंद आया. और I think Kangana has directed fab, like मेरे जितने scenes हुए, I think Kangana has shot 70% of the film. So I think I have done justice to my character, and she has done justice to my character more than me. Good evening. Thank you. देखिए क्या होता है कि हर एक एवरी डे इज़ डिफरेंट. कई बार आपको लगता है कि आपके जो डे टू डे चैलेंजेस हैं वही ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए, कि बाकी दुनिया क्या बोल रही है, यू नो, जब आप एक सिचुएशन में होते हैं वो ज़्यादा मायने रखती है. कई बार आपको लगता है कि नहीं, ये वक्त है, थोड़े से तो मुँह बंद करने चाहिए, बिकॉज कुछ ज़्यादा लोग जो है आपके को शांत समझ के, या आप जब जवाब नहीं दे उसको आपकी कमज़ोरी भी समझ लेते हैं. तो कब आपको किसी को थप्पड़ लगाने और कब आपको इग्नोर करना है, यू शुड नो दैट एज अ पर्सन. आप अपना काम काज छोड़ के तो नहीं जाएंगे दुनिया से लड़ने या उनको बताने, उनको समझाने आपका आप कौन है वाकई में, और आप क्या चाहते हैं और क्या सोच है आपकी. तो वैसे तो आप सारी दुनिया में मतलब वही एंगेज ही करते रहेंगे, यू नो. बट देन देर इज़ अ टाइम कि इनफ इज़ इनफ, दिस इज़ योर बाउंड्री, यू कैन नॉट क्रॉस योर लाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक ये जैसे अगर आप व्यक्तिगत तरीके पर ऐसा समझते हैं तो आप देश के लिए भी ऐसा समझेंगे, कि आपको किसी को डसना नहीं है, लेकिन आपको अपना यू नो कहते हैं डराने, क्या बोलते हैं, डराने के लिए, यस, डराने के लिए वो डरा के रखना तो दिखाना पड़ता है. कंगना, थोड़े दिन पहले मीडिया में बात चल रही थी कि आपको फ्रेटर्निटी से कैसे सपोर्ट नहीं आया मणिकर्णिका के लिए, तो ज़ोया अख्तर ने इस पर कहा कि आपको सब अप्रिशिएट करते हैं, पता नहीं आप ऐसा क्यों कहती, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे?
वेल आई थिंक इफ अगर अप्रिशिएट करती हैं वो तो आई एम वेरी हैप्पी, तो उसके बहुत बहुत धन्यवाद उनका. ठीक है, बहुत ज़रूरी होती है कि हम वही, मैं मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को, जैसे आप हैं, अगर आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप अगर कहीं जाके फिल्म देखते हैं, अगर या फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन ना करी जाए, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप दंगल देखें उनके बारे में बोले, आपसे एक्सपेक्टेशन है आप सुपरस्टार देखें उसके बारे में बोले, आपसे एक्सपेक्टेशन है तभी आपको बुलाया गया यू नो, और मीडिया के सामने बुलाया गया, आपसे बाइट्स लिए गए, सब कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन है, राइट? तो फिर आपको भी तो उस तरह से रिटर्न करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा ना. सो आई थिंक दैट वे इट इज़ अनफेयर, इट इज़ नॉट डन. या तो फिर आप एक्सपेक्ट ही मत करिए, जाने दीजिए, मुझे मेरे हालात पे छोड़ दीजिए. किसी ने I just feel that हर एक इंसान का एक अपना नेचर होता है. कई बार आपको जो आपका नेचर होता है उसके हिसाब से आपको सफलता मिलती है, कई बार आपको आपके नेचर के हिसाब से ऑब्स्टिकल होती है. अभी यही मेरा नेचर है कि यू नो आई कैन पोर्ट्रे फाइस्टी कैरेक्टर्स, तो हर जगह पे ये आप इससे फ़ायदा तो नहीं सोच सकते, कई जगह पे उसी नेचर से नुकसान भी होता है. सेम तरीके से आप ज़्यादा टिमिड होते हैं तो कई बार आपको फ़ायदे होते हैं, वो कई चीज़ों से नुकसान हो जाए. सो आई थिंक वी शुड नॉट बी सो कैलकुलेटिव कि मुझे ज़िंदगी में हमेशा ही फ़ायदा हो, हर सिचुएशन से मैं क्या निचोड़ के निकल जाऊँ या क्या कमा के चली जाऊँ और कैसे मैं अपना मतलब हमेशा ही अपना फ़ायदा करके चले जाऊँ. ऐसे इंसानों से दूरी रहिए और ऐसी सोच भी मत रखिए. कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ज़िंदगी में इंसान गिर उड़ के और उससे भी निकल जाते, इट्स फाइन. पूछिए ऑफकोर्स लगती है आपको. मैंने उस दिन भी इस चीज़ का जवाब दिया था कि आपकी जब डेब्यू फिल्म होती है और वो इतना अच्छा करती है और 100 crores करती है, तो मेरे लिए इससे मतलब सब कुछ ही नया है यहाँ पर और सब कुछ बहुत मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से फिल्म करना चाहती थी और मैं कर रही हूँ और मेरी 100 crore कर रही हूँ और कंगना ने डायरेक्ट की, सो इससे बड़ी चीज़. बट आई पर्सनली फील दैट द काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेज अंकिता हैज़ वर्कड, द काइंड ऑफ सिचुएशन शी हैज़ वर्कड, शी डिजर्व्स अ much bigger and much better debut. That's you, my Kanga. feeling. Thank as you. a director. हमने जो गाना शूट किया है वो अंकिता ने हाफ नाइट में किया है, जबकि वो गाना आइडियली 12 दिन शूट होना चाहिए था, बिकॉज दैट इज़ हाउ अ रेगुलर सॉन्ग ऑफ दैट नेचर इज शॉर्ट फॉर 10 to 12 days. अंकिता ने वो आधी रात में किया है बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन वी वर इन, शी डिड नॉट हैव इवन टाइम टू डू अ सेकेंड टेक. तो आप सोच सकते हैं हमने किस सिचुएशंस में फिल्म शूट की है. शी डिड नॉट, वी डिड नॉट इवन हैड द टाइम टू इवन कर्ल हर हेयर. सो कहने का मतलब है आई फील शी डिजर्व टू बी यू नो लिट मोर ब्यूटीफुली एंड शी डिजर्व्स अ बेटर डेब्यू. बट एनी वे देर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फॉर हर. जी ऑफकोर्स, अब इतनी बड़ी फिल्म हुई है, सक्सेस हुई है, तो पार्टी तो बनती है ना, तो वो तो होना ही था ऑफकोर्स. तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे तुक्के में बताया था कि होगा, पर ये होना ही था. आई थिंक कंगना में एक दूसरे का, आई थिंक डेफिनेटली, बट अंकिता शुड डू लीड रोल्स. थैंक यू कंगना, थैंक यू सो मच. Do, and Kangana is my godmother. I have declared that anyway. I have been saying this to Kangana also, phone karke. Kangana, you're my godmother. I don't have any godfather, but I have a godmother. So definitely she's my godmother now. Thank you. Sumitji. Sumitji, done. Ek second. Sumitji, boliye. Last question, guys. Kangana, Mr. Prime Minister, Mr. Narendra Modi se bhi 2 dafa mil chuki hain. Us bare mein bhet ke bare mein bataye. अब 2 दिन में भारतीय इलेक्शंस की घोषणा होने वाली है, तो उससे भी जुड़ने किया जाता है आपका? वेल आई थिंक इलेक्शन से मैं नहीं, मेरा ऐसा इलेक्शन से कोई जुड़ने का इरादा नहीं है. काफ़ी लोगों को ये भी गलत फहमी है कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 0% चांसेस भी नहीं है. मगर क्या मैं एक ऐसी युवक युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं मैं जानती हूँ, आई थिंक किसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट,
जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमको हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया. सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक रणबीर कपूर वॉज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो. सो हाउ ये देश ने आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं. हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट. हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात करते. दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल. क्या मैं वैसे इंसान हूँ? नहीं. उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए. मेरे घर में बिजली पानी आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है. सो दिस हैज़ टू चेंज. एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए, ये इन लोगों को सुनाना चाहिए. हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कॉन्ट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है. यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी. आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज योर लीडर. यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन, हु वट यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, वट यू थिंक. यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना. दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल. और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई. सो दीज पीपल शुड बी आस्क. ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है. मैं अब आप लोगों का काम भी करने लग गई हूँ. देखो मैम, इंडस्ट्री में एक चलन है कि जो सरकार में होती है उसके गुणगान गाए जाते हैं. पहले 7 साल में एनडीए यूपीए था तो उसके गुणगान इंडस्ट्री गाती थी. अब एनडीए की सरकार है तो उनके गुणगान गाती है इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री. देखिए थोड़ी अपॉर्चुनिटी आपको लगता है? In a democracy, shift of power when happens, it's okay to be positive for a government, but if you feel that the government is not showing any response, it's okay to call them out on that. It's not that you shifted your opinion or you're being, an opportunist or like that. So it's fine to show positivity for an elected candidate and to be like, okay, fine, we have a lot of faith in this person. There is nothing wrong in that. Mm-hmm. And, talking about... about me, I mean, I think I have had a very, wide exposure of how things change in person's life. जैसे देश में चीज़ें change होती हैं, हमारे ऊपर भी हमारी personally भी life change होगी. So ये बहुत important है, हम देश में interest लें, because हम देशी तो हैं, हम कौन हैं? सो ये बहुत ही मूर्खता की बातें ऐसे करना, मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज़, मेरी वो endorsement ना चले जाए या मेरे को वो कुछ. दिस इज वेरी वेरी स्टूपिड. एंड ऑल्सो वेल देखिए हम लोग आई थिंक अगर इस देश में कोई है जो इस देश को संभाल सकते हैं और कोई है जो इस देश को इसकी जो बुरी स्थिति है, जैसे कि 50% हमारे लोग जो है मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं और जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स पे हमको सताया जाता है, हर कोई आके हमारे ताज में, मतलब माय फ्रेंड अ वेरी डियर फ्रेंड जिनकी जो एक्टर भी हैं मेरे साथ धमाल टू में काम कर चुके हैं, उनके भैया और भाभी डिनर कर रहे थे और उनको देयर शॉट इन दैट. तो आप कहते हैं कि आपको देश से कुछ लेना नहीं देना? कल को मेरी बहन जा सकती है डिनर करने अपने 2 बच्चों को छोड़ के मेरे पास. तो आप कैसे कह सकते हैं आपको देश से कुछ ले? इतनी बुरी तरह से देश में आतंक को फैलाया हुआ है, करप्शन को फैलाया हुआ है, मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी रिवर्स खत्म हो रही है, ग्रीन कवर खत्म हो रहा है. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट? आप अपने घर में, आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं? आपको, आप सो कैसे जाते हैं? और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछिए? और आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है, हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? हाउ डू यू ऑल टॉलरेट दिस इन अ डेमोक्रेसी लाइक दैट एंड देन यू मेक दीज पीपल योर रोल मॉडल्स? हाउ डज दैट वर्क? सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. सी आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में आकर ही बात नहीं की जाती. एज अ ह्यूमन, एज अ इंडियन, यू नो, हम लोग यहाँ खड़े और हम लोग यहाँ रहकर भी, इस पोजीशन में रहकर भी वो सारी चीज़ें कह सकते हैं जो शायद पॉलिटिशियन नहीं कह पाते. सो आई थिंक एज एन एक्टर दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों को लोग कहीं ना कहीं रोल मॉडल समझते हैं एंड शी कैन टॉक अबाउट इट एंड पीपल कैन फॉलो हर. सो आई थिंक शी डजंट नीड टू गो टू पॉलिटिक्स लाइक प्रॉपर पॉलिटिक्स. शी कैन बी हियर, स्टैंड हियर एंड talk about it and people can follow it. So that's what I think. Thank you. मैं आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या बात हुई कैसे बताऊं?
मैंने उनको बधाई दी जिस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया. बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन थी एंड इस सिचुएशन को उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है कोई नहीं हैंडल कर सकता था उस तरह से. और आई थिंक ही डिज़र्व्स. उनकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है जितना उनका क्रिटिसिज्म होता है. जब यू नो मतलब इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट that he is so devalued as a leader of the country that it is heartbreaking. So I think I just expressed my gratitude aap logo ke sabke behalf se. we are absolutely grateful that the way he has handled the situation and we feel safe in his leadership. That's the kind of conversation we had. मुझे तो नहीं लगता मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी क्योंकि I really don't think so, Amit, because I have no reason not to. Because am I concerned about the country? I'm absolutely concerned. लेकिन कुछ तो चीज़ होनी चाहिए जो आप पैसों के लिए ना करें ज़िंदगी में. I think as a politician, फिर भी आप मुझे कह सकते हैं कि यार इसका तो मतलब है. कह सकते हैं ना, चार लोग कह सकते हैं मुझे, बिकॉज पॉलिटिशियंस चाहे उनको 200 रुपये सैलरी भी मिलती हो फिर भी लोग कह देते हैं कि इन्होंने करोड़ों का घपला किया, राइट? लेकिन एज एन एक्टर तो आप मेरी इंटेंशन पर कभी डाउट कर ही नहीं सकते. जो मैं देश के लिए कह रही हूँ, ये सब लोगों के मैंने अभी नाम लिए हुए हैं, आपको क्या लगता है ये लोग इतने बड़े बड़े खंजर निकालेंगे? और जो भी आप अनाप शनाप अभी न्यूज़ पढ़ेंगे पेपर में मेरे बारे में, उन्हीं के पीआर ने करी होगी, यू नो. सो आई नो ऑल ऑफ दैट, आई नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट आई हैव सेड, बट आई एम ओके विद दैट. लेकिन ये किसी को तो कहना पड़ेगा. और मुझे बहुत गुस्सा था, आप लोग नहीं कहते हैं, आप लोग इन लोगों से सुन के लेते हैं, आप लोग कुछ नहीं कहते इन लोगों को, यू नो. सो एडवांस हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच सुमित. हाँ जी, मैं मनाली में हूँ. भगवान करे, मैं भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाए और बर्फ में इंजॉय किए करें, दारू पिए. क्या क्या गिफ्ट आई वांट? आई थिंक देश के लिए हम लोग यही चाहते हैं. देखिए हमारा देश आगे आएगा, हमारे देश की तरक्की होगी, तो आप देखिए हम लोग कितना अब हमारे देश की पर्सनैलिटी आज पूरे विश्व में जैसे हमारे देश की बात हो रही है, जब उससे भी ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी बनेगी. आज लोग मुझे कहते हैं कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया, यू नो. सपोज अगर हम लोग इंडिया इज़ बेस्ट इन द ग्लोब, सो आई वुड बी द बेस्ट एक्टर ऑन द ग्लोब. यू विल बी द बेस्ट जर्नलिस्ट ऑन प्लैनेट अर्थ. मैम यहाँ पे हेलो संजय मैडम, इथे समोर मैडम, इकडे समोर, इकडे बघा. थँक्यू मॅम.